नेताजी की मौत की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी। केंद्र सरकार ने ये जवाब एक आरटीआई के जरिए दी है। ये आरटीआई सायक सेन नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने अपना जवाब भेजा है। आरटीआई के जवाब में साफ तौर पर कहा गया है कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जवाब में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से नेताजी की मौत से जुड़ी 37 फाइलें जारी की थी, जिसमें पेज नंबर 114, 122 पर इसकी जानकारी दी गई है। इस जवाब में शहनवाज कमेटी, जस्टिस जीडी खोसला कमीशन और जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। पिछले एक साल में मोदी सरकार ने हर महीने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें जारी की। इसकी शुरुआत पिछले साल 23 जनवरी से हुई थी। अब ये सभी फाइलें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। 2015 में नेताजी के परिजनों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने ये भी घोषणा की थी कि वो रूस सरकार से भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। और अब आरटीआई के जरिए नेताजी का परिवार एक बार फिर से आंदोलन पर उतर सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।